I'm Areeb Azhar and you've logged on to bolojawan.com. अच्छा अमर साहब, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग खबर चल पड़ी है, आपने सोशल मीडिया देखा होगा, बहुत खूबसूरत सा एक क्लब बना हुआ है, नेवल क्लब, जो कि ये लेक व्यू पार्क के साथ है, बेसिकली बोटिंग क्लब है और नेवी ही बेसिकली बोटिंग वगैरह के कर रही होती है ज्यादा, और रावल लेक के ऊपर वो स्किन जो उसकी आपने इवन वो देखी होंगी, जो फीस वगैरह है सर्विंग और रिटायर्ड ऑफिसर्स के लिए 10,000 है, जो फिर आपके सिविल ब्यूरोक्रेट्स वगैरह हैं उनके लिए 1.5 लाख है उसकी मेंबरशिप, और जो सिविलियन हैं यानी कि मैं मेरे जैसे, और पता नहीं हमें मिले भी ना मिले, वो भी कोई खास लोग हों जिनको मिले मिले, तो उनके लिए 6 लाख है, प्लस इसी तरीके से मंथली जो आगे चार्जेस हैं वो जो हैं डाइन इन के और फिर जिम के पूल के इस तरह करके वो वेरी कर रहे हैं। क्या देख रहे हैं आप इसको, और ये बड़ा छुपा छुपा सी एकदम से खबर आई है और एकदम से वो सामने हो गई और ये पब्लिक हो गई है, क्या कहते हैं, क्योंकि क्लब्स तो बहुत ज्यादा हैं, आर्मी और के बहुत सारे ऐसे क्लब्स चल रहे हैं, एयरफोर्स के भी हैं। नहीं देखिए, क्लब्स तो बेशबहा है और उस पे अब वही तो आवाम के सवाल उठ रहे हैं कि जब कभी वो मुल्तान गैरिसन की पिक्चर्स देखते हैं लोग कहते हैं यार क्या जगहें हैं। देखिए पहली बात तो ये जो रावल डैम की जो आपकी, अगर आपको पता हो, ये पहले एक बड़ा रिक्रिएशनल जगह थी आवाम के लिए, ठीक है। कुछ अर्सा पहले आपने हमने ये देखा कि रावल डैम की जो एंट्री थी, एक्सेस जो था डैम को टोटली बंद कर दिया गया ऑन द प्रेमिस की जी, यार सिक्योरिटी वगैरह के मामला थे तो आपका वहां का एक्सेस ही बंद हो गया। ये सेम कहानी पहले मंगला डैम के साथ भी हो चुकी है, मंगला डैम भी पहले फैमिली वगैरह जाती थी, अब वहां पे भी ये है कि मंगला डैम के भी आर्मी वगैरह के आपके हट्स वगैरह बने हुए वहां पे, वो तमाम चीजें हो रही है। यही चीज अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो खानपुर डैम के साथ भी की जा चुकी है, खानपुर डैम पे भी जेट्स की वगैरह और इस तरह की जो फोर्सेस के ऑफिसर्स है उनके लिए फैसिलिटीज है। देखें जिस चीज पे लोगों को एतराज होता है वो ये कि दिस शुड बी यूनिफॉर्म फॉर ऑल, तो अब ये रावल लेक वाली कहानी है इसके ऊपर की किस तरह से कब ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, कब अप्रूव हुआ। एक नोटिफिकेशन अभी और भी आया हुआ है जिसमें सीडीए ने इसके ऊपर एतराजात उठते हैं, अब ये नोटिफिकेशन 2019 का है, तो जब ये कहानी आई है तब वो नोटिफिकेशन भी आए कि यार कि आपकी जो कंस्ट्रक्शन है वो बायलॉज के खिलाफ वर्जी है और अगर इसको कंप्लाई ना किया गया तो डिमोलिश भी किया जा सकता है। स्ट्रक्चर तो डिमोलिश नहीं हुआ, बट अब की खबर ये है कि उसका इनॉग्रेशन जल्दी होने वाला है। जिस तरह आप बता रहे हैं क्लब में बेशबहा फैसिलिटीज है, पूल है, डाइनिंग है, तो सिर्फ जो लोगों की जो जो सोशल मीडिया पे लोगों के जो एतराजात हैं वो यही हैं कि ये जितने भी क्लब्स हैं, आप नेवी के इस क्लब को देख रहे हैं, यहाँ पे आपका एनडीयू नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी, एनडीयू वालों ने अपना क्लब बनाया हुआ है यहाँ पे, तमाम फैसिलिटीज हैं, तो ये तमाम फैसिलिटीज आम लोगों के लिए भी होनी चाहिए, आम सिविलियंस को भी उसका हक होना चाहिए। इस्लामाबाद क्लब की बात करेंगे या आप इस्लामाबाद क्लब को भी देख लें तो वो किस हद तक सब्सिडाइज्ड है। देखें अब मैं इसी के ऊपर पॉइंट यही वाला करने लगा था, देखें इस्लामाबाद क्लब तो कोई सरकारी क्लब नहीं है। दूसरी चीज आप उठा लें जिस जिमखाना है, कराची जिमखाना और बहुत सारे लाहौर जिमखाना, ये सारे आप इनकी सिर्फ मेंबरशिप, मियां साहब एक सेकंड होल्ड करें ना, इस्लामाबाद क्लब सरकारी कैसे नहीं है, ये बताइए हमें। सरकारी एडमिनिस्ट्रेशन, देखें जो इस्लामाबाद क्लब है वो खुद जो है इटसेल्फ सरकारी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ये आर्मी के अंडर या किसी इसके नेवी के अंडर नहीं है। अच्छा मेरे जो छोटे छोटे दो सवाल ले ले, जो जितनी जमीन है इस्लामाबाद क्लब की क्या वो लीज पे नहीं ली हुई क्लब ने? बिल्कुल बिल्कुल, लीज सब्सिडाइज्ड रेट पे ली हुई है, उस रेट पे मुझे जमीन मिल सकती है इस्लामाबाद में या किसी और एंटिटी को उस रेट पे? आपको मुझे तो कुछ नहीं उस चीज पे मिल सकता, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ गोल्फ कोर्स की जमीन और जो इस्लामाबाद क्लब की जमीन ये एक साथ थी, ये एक जमाने में नेवी के पास होती थी, ठीक है, और ये फिर लीज की गई थी और जिसके ऊपर ये क्लब बना, और ये क्लब देखें मैं वही बात कर रहा हूँ कि देखें इधर भी जो, या इस क्लब की बात कर लें, जिमखाना की बात कर लें, जो सिविलियंस की मेंबरशिप है पहली बात तो मिलती नहीं है, चाहे कोई भी आपको वो फॉर्म ही मिलने के लिए आपको बहुत ज्यादा अगर कोई सिफारिश मिल जाए तो मिल जाए, अदरवाइज तो वो मिलती ही नहीं है, कितने कितने सालों का वेट है।
दूसरा जिमखाना की अगर हम बात कर लें तो 20 लाख तो उसकी मेरे ख्याल मेंबरशिप है सिंपल, आप वो भी अब ये मेरे ख्याल शायद उससे ज्यादा हो गई होगी, इस्लामाबाद के भी कमोबेश यही है मेरे ख्याल, उसके कुछ अर्सा पहले आपकी वेटिंग चल रही है और ये वाला हिसाब है, छह छह सात सात आठ आठ साल वेटिंग है कि वो भी अगर आपको मिल जाए, वो भी कोई इधर उधर से कोई आपको किसी बड़े की सिफारिश मिल जाए। सवाल ये नहीं है, देखिए हमारा इशू क्या है, जो हम आम पब्लिक है, आर्मी हमेशा से अगर आप आर्मी के उसमें सेटअप में रहे हो, आर्मी के छोटे से छोटे शहर में भी कोई ना कोई ऐसा गैरिजन या क्लब जरूर उन्होंने किया होता है, ठीक है, और उसको मेंटेन किया होता है, और ये आर्मी ऑफिसर्स उसको देखिए सब्सिडाइज्ड होते हैं लेकिन पे कर रहे होते हैं। इसी तरह मेरा पॉइंट ये है, मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या सिविलियंस के लिए ऐसी चीज नहीं बनाई जा सकती, लेकिन टैक्स पेयर तो हम भी हैं, और हमारे लिए जो क्लब अगर कोई बन भी जाता है उसकी फीस ही आपने इतनी रखी होती है, आप गन क्लब उठा के देख लें, प्राइवेट क्लब है, इस तरह के आप क्लब्स को ही उठा लें, उधर तक तो बंदा सोचता ही नहीं है ना। फिर तो फिर हम कंपैरिजन में ये देखते हैं कि जी फौजी क्लब है, फौज ने अपने लोगों को इतना सहूलत दे दी, सिविलियंस को भी वो दे रहे हैं, देखिए 6 लाख की वो मेंबरशिप दे रहे हैं, आप लेना चाहें आप लें, आपको वो उस रेट पे तो नहीं देंगे जो अपने उनको दे रहे हैं, क्योंकि देखिए अगर सिविलियन की, अब अगर हम ये देखें कि अगर कोई ये नौकरी पेशा बंदा है और कोई अच्छी जॉब पे सिविलियन है और उसी एक्सपीरियंस वाला फौजी है, तो आपकी सैलरीज में भी जमीन आसमान का फर्क होता है। तो उसी चीज को देखते हुए एक फौजी क्लब है, वो अगर इस तरह करना चाहते हैं तो उनके ऊपर हमें सवाल उठाना नहीं चाहिए, बल्कि हमें ये सवाल जरूर उठाना चाहिए गवर्नमेंट्स के लिए कि क्या सिविलियंस के लिए ऐसी फैसिलिटीज नहीं होनी चाहिए। तो नाज़रीन आप हमें अपनी आरा से आगाह कीजिएगा कि जो जिस तरह का ये नया नेवल क्लब है, आपके ख्याल से क्या ये आवाम के साथ इंसाफ है कि जो जो चाहे सरकारी अफसरान हो या फौजी अफसरान हो, वो तो तमाम सहूलियात से फायदा उठाए, मगर आम आवाम के लिए ये सहूलियात खाल खाल है, तो इस पे अपनी आरा से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। I'm Arib Azhar and you've logged on to bolojawan.com.